कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर मुहे मरने का चाव है मरो तो हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर मुहे मरने का चाव है मरो तो हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। जा कौ हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जां का सतगुर पूरा। गगन मामा बाजयो परयो निशाने काओ खेत जो मांडयो सूरमा अब जूझण कौ दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दैन कहे पुरजा पुरजा काट मरै कबहू न छाड़ै खेत। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन कहे पुरजा पुरजा काट मरै कबहू न छाड़ै खेत। परम सन्मान योग गुरु प्यारी सत्संग जीओ कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तिन्हां दे लखते जिगर चार साहबजादे माता गुजर कौर जी भाई संगत सिंह जी भाई जीवन सिंह जी अते अनेकां गुरु के प्यारे सिख भाई बचित्र सिंह जी जिन्हां ने 1704 तो लैके जिन्हां ने हिस्टरी पढ़ी है जिन्हां नूं पता है कि 1704 ये जिहड़ा पोह दा महीना 6 अते 7 पोह की रात आखरी सी 6 पोह की आखरी रात 7 पोह जदों आरंभ हुंदा है जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखरी रात आनंदपुर साहब की धरती ते गुजारदे ने अनेकां गुरु के प्यारे सिख जिन्हां ने शहादत दे जाम पीते दुनिया दे विच कोई इदां दी मिसाल नहीं मिलदी जिहदे नाल तुलना की जा सके पातशाह जी की कुरबानी की। आओ उन्हां सारे महान योध्यां की मिठी अते प्यारी याद नूं मनाउंदिआं होइआं गुरु की गोद विच आप समूह संगत बहुत प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। आओ सतगुरु जी के चरणों में झुकाइए सीस बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो गज के आखो सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारां दी आरंभता तो पहला बड़े प्यार नाल सारी संगत आओ सतगुरु जी के अमोलक बचना का रल के पाठ कर लीए कि साडा मन गुरबाणी इतिहास नाल जुड़ सके। बड़े प्यार नाल सारी संगत ने बाणी दीआं तुकां नूं गाउणा है ताकि साडा मन गुरु के शब्द विच जुड़ सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल हाजरी लवाओ फिर आपां रल के शब्द दीआं विचारां जिथे करनीआं ने उत्थे इतिहासक पक्ष भी नाल नाल सांझा करना है। सारी संगत बड़े प्यार नाल इन्हां पावन बचनां नूं गाउण दा यतन करिए।
कबीर जस मरने ते जग डरै, कबीर जिस मरने ते जग डरै। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਗਾਓ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਹੇ ਤੋ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਹੇ ਤੋ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੈ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੈ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੈ ਬਾਰ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੈ ਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ
जिहदी मिसाल पूरी दुनिया ते नहीं मिलदी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का समुचा जीवन जिहदी उदाहरण ही जे देनी होवे ते समाज विच कोई एग्जैंपल उहदे बराबर दी नहीं है। पातशाह जी की 42 तो 43 साल की एज बनती है सारी। 14 जंगा पातशाह जी ने अपने जीवन काल दे विच लड़ियां ने, जिन्हां विचों सब तो जिहड़ी मेन जंग है जिहदा जिक्र असीं अक्सर करदे हां, सरसा नदी के कंढे ते होया भयंकर वो जंग। उस तो बाद जिहड़ी चमकौर साहब की जंग, जिन्हां ने तुहाडे विचों हिस्टरी पढ़ी होएगी, आनंदपुर साहब की धरती नूं लगातार 6 तो 7 महीने घेरा पिया रहा। इंज कह सकते हैं कि आनंदपुर साहब के जिहड़े वसण वाले उत्थे सिख ने, बीबिया ने, उन्हां दा लिंक बाकी लोगों नालों 6-7 महीने टुटा रहा। राशन पानी बाहर दे लोगों नाल कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि हिंदू पहाड़ी राजे जिहड़े आनंदपुर साहब नूं घेरा पा के बैठे हुए ने, ना बाहरले बाकी पंजाब दे सिखां नूं आनंदपुर साहब जाण दी आग्या है, ना आनंदपुर साहब दे विच वसण वालियां नूं बाहर आउण दी आग्या है। हुण मान लो एक वारी अपनी सुरत नूं उस जगह ते लैके जायो, तुसीं किसे शहर विच कैद हो, बाहर दा तुहाडे नाल लोकां दा लिंक टुट जाए, ना पानी की सप्लाई, ना राशन की सप्लाई, जिन्ना क राशन अंदर जमा सी वह मुकण तो बाद दरख्तों के पत्ते तक उन्होंने छिलके पी पी के उदा भी आहार किया गया। 6-7 महीने सारा कुछ बीतन तो बाद हुण गल बड़ी वड्डी सी, हिंदू पहाड़ी राजे पिछे मूँह खाना चाहते सी, जिहड़ियां बाकी फौजां सन मुगलां दियां वह भी मूँह खाना चाहुंदियां सी, भी इन्ना लंबा घेरा पैण तो बाद तुसीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं फड़ नहीं सके। 6-7 महीने घेरा पैण तो बाद भी जज्बे नूं सलाम है गुरु पातशाह जी दे नूं, उन्होंने कहा महाराज एक बारी आनंदपुर साहब का किला खाली कर दिओ, कम से कम असीं लोगों के मूँह विखाउण जोगे होवांगे कि असीं पातशाह कोलों किला खाली करा लिया, असी कसमा खाने हाँ असी राह खाली कर देवे, तुहानू जान देवे, तुसी इतों चले जाओ, किसी सिख का कोई नुकसान नहीं करांगे, तुसी बेशक बाद विच फिर आनंदपुर साहब आ जाना, पर एक बार खाली कर दिओ। कम से कम एक तो औरंगजेब नूं असी जवाब दे होवांगे, दूजा आम लोगों विच साडा थोड़ा बहुता प्रभाव बनिया रहेगा। कसमा खादियां गईयां हिंदू पहाड़ी राजियां वल्लों गऊ दियां, क्योंकि वह गऊ नूं बहुत पवित्र मानते हैं, उन्हें गऊ दियाँ आटे दियाँ गऊं बना के उसकी कसम खाधी कि असी प्राण करते हैं, असी कसम खाने हाँ असी कुछ नहीं करांगे। कुरान दियाँ कसमां खाधियां गईयां मुगलों दियाँ फौजां वल्लों, पर कसमां खाण तो बाद भी वह अपनियां कसमां ते पक्के ना रहे। एक घटना दे नाल होर जुड़ी है जिहड़ी बदावा लिखण वाली है, इस गल नूं जरूरी समझना। हुण बिदावे वाली घटना साढ़े तक पहुँचती है, कोई शक नहीं है, बिदावा आनंदपुर साहब नहीं दिता गया। हुण जिहड़ा सिख खनी खनी रोटी ते गुजारा कर सकता, एक बारी अपने आप नूं कदी सोच के विखणा, इतिहास लिखिया गैरां ने साढ़े तक पहुँचदियां उस इन्नी रलगड़ हो गई है, जिहड़ा असली तत् उह मार दिता गया। इत्थे तां गुरु साहब खुद सिखां दे नाल ने, शरीरक तौर पर भी नाल ने, इत्थे तां फरक्शियर बादशाह की जेल दे विच सिख कैद विच होवे, उत्थे अगले भुखे सिखां नूं कोई रोटी इदां देवे वह भी रोटी वंड के छकण की भावना रखते होण, जिथे मीर मनु की जेल च खन्नी खन्नी रोटी ते बीबिया नूं गुजारा करना पिया होवे, उत्थे भी वह अपने सिदक नूं अपने भरोसे नूं नांड लाउण। तो सोच के वेखो जिहड़े आनंदपुर साहब गुरु साहब जी दे नाल सिख होणगे, वह इन्नी गल ते लिख के दे देणगे कि महाराज साडे को भुख नहीं जरी जांदी। कभी सोच के वेखियो तुसीं भी साढ़े को भुख नहीं जरी जाती, महाराज ने आख्या जे भुख नहीं जरी जाती फिर ऐ करो लिख के दे दिओ, ना अज तो बाद तुहाडा गुरु ते ना तुसीं सिख। तो कहते लिख के दे दिता इदा सिखां ने महाराज नूं कि तुसीं अज तो बाद साढ़े गुरु ने। एक बार सोच के वेखो कि इन्ने सिख कच्चे होणगे जिहड़े गुरु साहब तो अपनियां जानां वार नूं तैयार होण, सब कुछ अपना कुरबान कर सकते होण, वो एक
ਭੁੱਖ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਲਗੱਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਕਸਵੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਿਦਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਦਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੜਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਦਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਦਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੇ ਪ੍ਰੋਤ ਵਰਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਖੰਡੀ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ।
गुरु पातशाह जी दे वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह अते नाल प्यारे सिख एक पासे हो जाते ने, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह एक पासे हो जाते ने, ते गुरु साहब जी दे महल भाई जवाहर सिंह हुणा दे नाल क्योंकि दिल्ली दे वसनीक सी ओ एक पासे हो जाते ने, तिना हिस्सों में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार जिहड़ा है वह हो जाता है। सिरसा नदी के कंढे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारे सिखां समेत पार कर जाते हैं। सिरसा नदी के कंढे ते बड़ा भयंकर जंग हुंदा है जिथे भाई बचित्र सिंह जख्मी हो जाते हैं। भाई बचित्र सिंह जी नूं बाबा अजीत सिंह जख्मी हाल दे विच पिंड कोटला जिथों दा निहंग खां सी उत्थे लै के पहुँचते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बड़ा प्यारा सिख सी, बहुत प्यार करता सी निहंग खां, पातशाह जी निहंग खां दे कोल ने। इधरों भाई अजीत सिंह बाबा अजीत सिंह अपने उस प्यारे सिख नूं भाई बचित्र सिंह नाल लै के जो उत्थे पहुँचते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेख लेंदे ने कि बचित्र सिंह की हालत बड़ी गंभीर है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे बहुत प्यार नाल निहंग खां की यह जिम्मेवारी लाते हैं, असी इतों अगे चलते हाँ क्योंकि पक्की गल है मुगलों दी फौजां हिंदू पहाड़ी राज्यां दीआं फौजां पैड़ां नपदियां नपदियां तेरे घर तक जरूर पहुँचणगियां। पातशाह जी उत्थों बाबा अजीत सिंह जी दे नाल अपने प्यारे सिखां दे नाल अगे लंघ जांदे ने, ते उत्थे भाई बचित्र सिंह जी की सारी जिम्मेवारी निहंग खां नूं ला दिंदे ने। हुण जदों छापेमारी हुई घर की तलाशी की गई, भाई बचित्र सिंह इन्ना जख्मी है कि उहदियां सेवा संभाल दी ड्यूटी निहंग खां ने अपनी बेटी की ला दी जिहदा नाम मुमताज सी। हुण जो सारे घर की तलाशी हुई, एक रूम सी जिहदा दरवाजा लग मुड़िया होया सी, सारे घर नूं फोलन तो बाद जो उस दरवाजे वाल जाण लगे तो भाई बचित्र सिंह उस कमरे में सी, ते निहंग खां ने उत्थे एक शब्द बोलिया फौज नूं, इस कमरे च ना जायो, मेरी धी ते मेरा जवाई इस कमरे में लेटे हुए ने। हुण अंदाजा आपे ला के वेखियो किन्ना किरदार निहंग खां दा उच्चा होएगा कि भाई बचित्र सिंह बारे ये शब्द बोलिया गया कि मेरी धी ते मेरा जवाई इस कमरे में है। उत्थे मलम पट्टी हो रही सी भाई बचित्र सिंह जी, हुण निहंग खां दा भी अपना एक प्रभाव सी, ये सुन के फौज वापस मुड़ गई, सिपाही वापस मुड़ गया भी ठीक है जो कह रहे हैं सच होएगा। अगली वो रात लंघी, अगली रात जदों पूरी नहीं हुई तड़के 3:30-4 बजे भाई बचित्र सिंह जे शरीर विचों पंख पंखेरू सदा लई उड़ गए, प्राण त्याग गए। भाई बचित्र सिंह भाई निहंग खां दे घर अकाल चलना कर जाते ने। पिंड विचों ही दो बंदे सद के घर विच खूह सी, उस खूह दे कंढे ते भाई बचित्र सिंह दा संस्कार किया गया। समा बीतदा गया, पूरे उहदी अंगीठे की संभाल की गई, समा अपनी रफ्तार तुरदा गया। मुमताज की मंगनी हुई सी जिथे उहदा निकाह होना सी ना, ते अज परिवार ने सलाह की कि असीं अपनी धी दे निकाह की डेट निश्चित कर दीए। ते मुमताज ने बड़े प्यार नाल अपने पिता नूं जवाब दिता, पिता जी मैं बचित्र सिंह जी की पत्नी हाँ, मेरे पिता ने जो कह दिता मेरा धी जवाई इस कमरे, एक गल इतों किरदार झलकदा है कि भाई बचित्र सिंह जी की सेवा संभाल करने वाली मुमताज का किरदार किड्डा उच्चा होएगा। बाप ने एक बार शब्द कह दिता कि मेरा धी जवाई इस कमरे में है, तो धी ने अपने बाप के कहे हुए बचना उत्ते फुल चढ़ा दिते। अज किरदार आपां अपने परिवारों चों लभदा है, मारियो ध्यान एक बार, असी लंगर भी लाने सेवावां भी करते हाँ, साडा कते प्यो ही साडे बारे कोई शब्द, कोई माँ बाप अपने धियां दे अपने बच्चियां दे कदी दुश्मन नहीं हुंदे भी वह गलत जगह अपने धी पुत दे रिश्ते कर। ये जिहड़ियां घटनावां वापरियां ने इन्हां तों अज सानूं अजोके समें च सिक्ख्या लैण की जरूरत है। तुसीं आप सारे माँ बाप बैठे हो, की कोई माँ बाप कदी गलत फैसला करता अपने बच्चों प्रति? पर बच्चों के दिमाग उत्ते मजाजी इश्क की पट्टी चढ़ी होंदी है, उन्होंने हकीकी इश्क का पता नहीं हुंदा। कई बार वो इस जज्बात विच कई बार गलत फैसले कर बैंदे ने, सारी जिंदगी उन्होंने कई बार खून के अंजू रोना पैंदा है जिन्होंने जिंदगी फैसले गलत किए होंदे ने। पर मुमताज ने अपने पिता के बचना से फुल चढ़ाया, उस तो बाद उन्हें कभी भी निकाह नहीं कराया। क्यों? उन्हें कहता वह बचित्र सिंह जी की पत्नी बन के ही उन्हें अपना जीवन गुजारे, एक किरदार सी उहदा।
उस तो अगे समा आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारे सिखां दे नाल जो चमकौर साहब जाते ने उत्थे एक पुराने समय से आम हवेलियां वड्डियां होंदियां सी कच्चियां होंदियां सी उस गढ़ी का जिहड़ा मालिक सी बुद्धी चंद उन्हें वह गढ़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वास्ते उन्हां दे सिखां वास्ते खोल दित्ती दरवाजे खोल दित्ते। हुण आप जी जानते हो भी 6-7 महीने का घेरा ना को बाहरला व्यक्ति अंदर जा सकता तो ना अंदरले बाहर आ सकते ना चंगा खाण नू ना चंगा पहनन नू रज के प्रशादा पानी भी पता नहीं कदों का छकया है। अज पिंड वालियां ने जिनी को उन्हां दी वित सी उन्हां दी सेवा संभाल वास्ते राशन पानी प्रशाद पानी का प्रबंध किया गया। अंदाजा लाओ गढ़ियां तो बहुत होणगियां पिंडां च आम हवेलियां होंदियां सी पर कौन जानदा सी बुद्धी चंद दी ए कच्ची हवेली इहनू कदी चमकौर साहब दियो गढ़ी दे नाल याद किया जाएगा। इस घर ने सदा लई इतिहास में सुनहरी अखरां च अपना नाम लिखा जाना कौन जानता सी। जिवें कदी भाई लखी छावण जारे का अपना घर सी जिथे नौवें पातशाह दे धरनू ने अपने घर में रख के अग लाई कौन जानता सी भी इत्थे कदी गुरद्वारा रकाबगंज साहब बनेगा पता थोड़ा सी पर कर दिता उन्हां परवानियां ने गुरु के योध्या ने फुल चढ़ा दते। हुण रात बीती है 7 पोह दी रात इधरों मुगलों दीआं फौजां ते हिंदू पहाड़ी राजे चमकौर साहब की गढ़ी नूं घेरा पा के बन्ने बन्ने उन्होंने घेरा पूरा पाया होया है। नार खां जिहड़ा मलेरकोटले का नवाब सी उहदा सका भरा सी उह गढ़ी नूं सीढ़ियां ला के पौड़ियां ला के चढ़न की कोशिश करता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उहनूं अपने तीर दे नाल सदा लई मौत की नींद समाउंदे ने। आप जी नूं पता होगा जदों नवाब मलेरकोटले का शेर मुहम्मद खान वह इसे नार खान की गल सी जदों शेर मुहम्मद खान नूं उन्हें कहा सी कि अपने भरा का बदला लै ला साहबजादियां नूं खत्म करके उन्हें आख्या मैं ये काम नहीं करांगा जे मेरे भरा नूं मैदाने जंग दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खत्म किया मैं लड़ के बदला लवांगा इन्हां मासूमां उत्ते जुल्म नहीं करांगा। उहदे हा दे नारे ने उन्हूं सदा लई जिउंदा कर दिता। अज भी हादा नारा गुरद्वारा है मलेरकोटले चले जाओ जिते शेर मुहम्मद खान ने मैं कहना कलंक तो बचा लिया उन्हें एक बारी कौम भी सारे लोग हर मजहब एको जे नहीं होंगे ना हिंदू वीर सारे एको जे आ ना मुसलमान भरावान सारे एको जे आते गुस्सा ना मनाओ ना सिखा जी सारे एको जे ने सारे एको जे नहीं होंगे। सानू अपने समाज में चंगे माड़े मनुख 84 में साढ़े नाल इहो कुछ होया 84 च जे दिल्ली बकारो चास सिखां दे गलां च टायर पा पा के साड़े तो सारे हिंदू वीर को जे नहीं सी कईआं ने अपने घरां च रख रख के सिखां दीआं जानां भी बचाईआं ने। कई मुसलमान भरावां ने अपने साधना ते उहनां नूं इलाके चों बाहर भी कढ़िआ। सानू इह भी भुलणा नहीं चाहीदा क्योंकि एक शिष्टाचार भी होंदा एक साडा समाज भी आ ना कोई किसे दा हिंदू परिवार गवांढी भी सी उन्हें हैल्प भी की है समय पर इदा के लोग भी है सी। सानू किसे प्रति इदा का जहर नहीं भरना चाहिए भी शायद जिहड़ा बंदा इदा का है तो शायद सारे लोग ही इदा के है चंगे माड़े लोग सारे समाज में इको जे नहीं होंगे चंगे माड़े लोग हर समाज में होंगे इन सारिया चीज़ों सानू बचना पवेगा। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्यारे जिन्ना को उन्हां को हुण आनंदपुर साहब की धरती तो निकलते हैं जिन्ना को उन्होंने गोला बरूद सी जो उन्होंने को तीर सी जिन्ना को उन्होंने को जंग अंदरों लड़ी गई लड़ी अखीर सारा दिन एक घुमसान की जंग चलती रही छावा पईआं। अगला दिन प्यारे सिखां दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सलाह की कि आपां हुण पांच सिखां दीआं जथे बना के चमकौर साहब की गढ़ी चों बाहर तोड़दे हाँ। जदों पांच सिखां दीआं इदां निके निके जथे बना के बाहर नूं तोरे जांदे ने तलवारां दे नाल कृपाना दे नाल सिख बाहर आण के जिन्ना कु लड़दे ने इन्हां विच फिर बाबा अजीत सिंह आप जी नूं पता होएगा जिहड़े पांच प्यारे साहिबान सी जिन्हां विचों सिर्फ भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह ये दो प्यारे भाई मान सिंह दे नाल चमकौर साहब की गढ़ी चों बाहर निकलते हैं बाकी जिहड़े तीन प्यारे ने वह इसे चमकौर साहब की गढ़ी दे विच शहादत दा जाम पी जांदे ने। सिर्फ दो प्यारे बाहर निकले भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह पंजां प्यारां विच नहीं सी ये तीन सिख गुरु के प्यारे चमकौर साहब की गढ़ी चों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल निकलते हैं बाकी सारे दे सारे शहादत का जाम पी जाते हैं चमकौर साहब की गढ़ी के अंदर। फिर पंजां सिखां दे जथे बना के गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाहर नूं तोरदे ने फिर बाबा अजीत सिंह आउंदे ने पातशाह मैनू भी मैदाने जंग विच तोरो एक बार अपने आप नूं
पिता दे हिरदे नाल सोच के वेखियो कि बाप अपने पुत्तर नूं मैदाने जंग विच तोर रहे है, पता भी इत्थे वापस नहीं आना, भी जिहड़े सिख एक वारी क्योंकि बाहर भारी गिणती विच फौज है, पता भी है भी जिहड़ा एक वारी सिर्फ दसना ही चाहुंदे सी कि असीं अखीर तक तुहाडी ईन नहीं मननी, हारे नहीं। हार जाना ते हार मन लैण विच फर्क है। एक भी सिख नूं जिउंदिआं रैसट नहीं कर सके। आह सी करामात, जिहड़े लोग पुछदे ना गुरु नानक दे घर च किहड़ी करामात, आ करामात है। कदी बाहरों आया हमलावर मुठ्ठी भर लोग इत्थों दे हज़ारां नूं गुलाम बना के टके टके ते जा के वेचदा सी, नक्कां च नकेलां पा दित्तियां अगलियां ने, गजरी दे बाज़ार विच भारत की इज्जत नीलाम की जाती सी। आ करामात है, अज मुठ्ठी भर सिख हज़ारां लखां दे अगे अड़ के खलोते हुए ने। आ करामात गुरु नानक दे घर दी है, आ है करामात। जिहड़े कदी कहिंदे सी रख दूंगा दिलो सीना चीर के आ गए, जिहड़े कहिंदे सी काम मारा तोलण तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। पातशाह ने शब्द की विचार नाल अंदर की कायरता नूं हुंझ के बाहर कर दिता। शब्द विच बड़ी वड्डी पावर है, बंदा उही हुंदा है शब्द उहनूं अंदरों तगड़ा करदा। ज्यों मंदर को थामे थम्मण त्यों गुर का शब्द मने स्तंभन। गुरु दे शब्द ने इहो जी करामात विखाई, ओह बंदे कहण लग पे रख दूंगा दिलो सीना चीर के आगे, एक एक को धर लूंगा अपनी शमशीर के आगे, पहले तो दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। कौन लोग सी? ओह लोग सी जिन्हां नूं ये कहिंदे सी ये कौन ने। अच्छा कमाल की गल तुसीं वेखो, मुगलों के कोल तो हिंदू पहाड़ी राज्यों के कोल जिहड़ी फौज है वह ट्रेनिंग वाली है, बकायदा उन्हां दी ट्रेनिंग है। इधर तो पातशाह जी दे कोल सिख किहड़े ने, कोई लंगर बनाउण वाला है, कोई घोड़ियां नूं पठे पाउण वाला है, कोई सेवा करन वाला है, आम दरमियाने बंदे। पर कमाल की गल तुसीं वेखो, 14 ते 14 जंगां विचों एक भी जंग विच पेठ नहीं लगन दित्ती, क्योंकि पातशाह जी ने तैयारी उन्हां दी एडे सोहणे तरीके नाल कराई सी। इक्के बंदे च किन्ने गुण, वह लंगर भी बना सकदा है, वह लंगर वरता भी सकदा है, वह किसी नूं समझाउणा होवे ते अपना गुरमत वाला पक्ष भी समझा सकदा है, लोड़ पवे ते हाथ विच हथियार फड़ के किसी नाल लड़ भी सकदा है। सारे गुण ही उहदे विच भर दित्ते, सारे गुण। वह कंप्लीट मनुख तैयार किया गुरु पातशाह जी ने, भी इंसान होना किदां दा चाहीदा। हुण पातशाह जी ने अपने प्यारे बच्चों नूं साहबजादियों नूं तैयार करके बाबा जीत सिंह नूं मैदाने जंग विच तोरे है। उत्थे बड़े प्यारे शब्द अल्लाह यारखां जोगी ने लिखे ने, भराई सी आवाज़ से बोले गुर गोबिंद, पाला है तुझे नाज से बोले गुर गोबिंद, उस नन्हे से जां बाज से बोले गुर गोबिंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमां तेरी छोटी जी कमर है, नन्ही सी तलवार सजा दें, हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। बाबा जीत सिंह गुरु के प्यारे सिखां नूं नाल लैके मैदाने जंग विच जांदा है, कुछ पलों विच शहादत दा जाम पी जांदे ने। वारी आउंदी है बाबा जुझार सिंह जी दी, आण के आंदे पातशाह जी मेरे जिवें भरा नूं मैदाने जंग विच तोरिया मैनू भी तोरो, मैं भी मैदाने। किड्डी वड्डी गल है, इत्थे पातशाह नहीं अल्लाह यारखां जोगी लिखदे ने, इत्थे पातशाह जी ने नहीं कहा, उत्थे आण के बाबा जुझार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कहिंदे ने। उत्थे शब्द बड़े प्यारे लिखे, बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया। खवैया कहिंदे ने मलाह नूं, जिवें किसी बेड़ी का मलाह हुंदा है ना, जिहड़े लोग बेड़ी च बैठे होण उहदी सारी जिम्मेवारी मलाह दी हुंदी है। मलाह बेईमान होवे ते बेड़ी डुब सकदा है, जिवें बस का ड्राइवर होवे, जे ड्राइवर बेईमान है तो बस नूं किसी खूह खड्डे च सुट सकदा है, सारी जिम्मेवारी ड्राइवर ते। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, ऐस वक्त पंथ की बेड़ी का मलाह तूं है। ये लफ्ज़ क्यों बोले भला, पता क्यों? कहिंदे मेरे कोल छोटियां दा पता नहीं, वड्डा साहब ज़्यादा शहादत का जाम पी गया है, इस वक्त पंथ के बेड़े का मलाह तू है। बेटा सारा कुछ तेरे दे उत्ते खलोता होया है, जे तू सिदक विच पक्का रहेगा तो पंथ की बेड़ी अवश्य बनने लगेगी। बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया,
सर भेंट करो ताके चले धर्म की लिया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। जिवें कितें विआह धरिया होवे ना ते घर दे कई वारी घर दे मुखी नूं पुछदे आ वी तेरे कोल विआह तों बाद सारा खर्चा करन तों बाद की बचिया, ओह की आंदा भला, सारे खर्चे करन तों बाद लै दे के मेरे को आ बचिया, जो लै दिता जो खर्चा किया उस तो मेरे को इन्नी कु पूंजी बची है। घर का मुखी आंदा नहीं, आपां नूं पुछदे आ वी हुण विआह हो गया आनंद कारज हो गया सारे आपां पैसे सारिया के खर्चे चुकाते जो जो खर्चा होया सी लै दे के की बचिया, उन्दा लै दे के मेरे को आ बचिया। किसान फसल बीजदा है मंडी जाती है, जिन्हां को लए होंदे देण तो बाद घर दे नहीं पुछदे वी सारी फसल जो भी आपां बीजी सी वेच वट के तुहाडे कोल हुण सारा कुछ की बचिया, उन्दा मेरे को लै दे के आ बचिया। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे अल्लाह जारखां जोगी कहिंदा है, वो कहिंदा गुरु पातशाह जी की अंदर की वेदना की है, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लै दे के मेरे गुलशन का खिड़िया होया फुल एक कला तू है मेरे को इस वक्त, सर भेट करो ता के चले धर्म की नैया। कहते सर भेट करो जा के धर्म की नैया चल सके। गुरु साहब अपने बचना नाल अपने शब्दों नाल बाबा अजीत सिंह के हिरदे नूं होर पक्या कर रहे हैं। ख्वाहिश है तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरशी तुम्हें खाते हुए देखें। हर बाप की तमन्ना होंदी अपने बच्चों प्रति, साड़ियां तमन्ना होर ने पुत पैसा कमावे वड्डा घर बनावे गड्डी आवे आ आवे, मैं नहीं आंदा चीज़ां नहीं आनिया चाहिए आनिया चाहिए ने, पर एक मंग होर रख लिया करो, तेरे विच्चों बाबा फतेह सिंह दिसे, तेरे विच्चों बाबा अजीत सिंह दिसे, तेरे चो बाबा बोलो जी जुझार सिंह दिसे, तेरे विचों मैं अपने साहबजादे नूं वेख सकां, यह तमन्ना तो एक माँ बाप की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की खिच होवे पुत तू घर बना जो मर्जी बना, पर कम से कम तेरे विचों मैं अपना अजीत सिंह ते वेख सकां, मैं अपना फतेह सिंह ते वेख सकां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहबजादा जुझार सिंह नूं बड़े प्यार नाल मैदानी जंग विच तोरदे ने, कुछ पलां विच बाबा जुझार सिंह शहादत का जाम पी जांदे ने, फिर जड़े छावां पै जांदियां ने थोड़े जे सिख पिछे रह जांदे ने, उत्थे फिर सिखां ने सलाह की थी, पातशाह तां मैदाने जंग विच लड़ना चाहुंदे ने पर प्यारे सिखां ने बड़े प्यारे शब्द कहे, बड़ी प्यार दा बेनती की थी, दाता जी तुसीं कल्ले इत्थों चले गए ना तुहाडे च कला है, तुसीं साडे वर्गे फिर कई तैयार कर लैणे ने, पर असीं सारे रल के भी एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं पैदा कर सकते, तुहाडे कोल कला है दाता। जिवें बर्तन सारे रल के घुमियार नहीं बना सकते पर घुमियार कोल कला है, अपने हत्थां नाल हजारां बर्तन फिर तैयार कर सकता है। दाता जी तुसीं ओ घुमियार हो, जिवें माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुम्हार है, जिवें इक घुमियार अपने हत्थां नाल मिट्टी चो अनेक बर्तन तैयार करता है, तुसीं शब्द दी विचार नाल तुसी अपने शब्द के बाण नाल साढ़े वर्गे हजारां लोग फिर तैयार कर लेने ने, पर असी सारे रल के भी एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं तैयार कर सकते। पातशाह चमकौर साहब की गढ़ी चों ताड़ी मार के निकलते ने तीन सिख, ते जाण तो पहला पातशाह जी अपनी जिम्मेवारी सारी भाई संगत सिंह जी, आप जी नूं पता होएगा जिन्हें हिस्टरी पढ़ी है, संगत सिंह भाई संगत सिंह जी की शकल काफ़ी हद तक गुरु पातशाह जी नाल मेल खाती सी, जिस ममटी च गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारा दिन बैठे सी, तवारीख के पन्नियां ते लिखिया है कि मुगल फौजां नूं ते हिंदू पहाड़ी राजे नूं भुलेखा लगे कि पातशाह इत्थे आप बैठे हुए ने। भाई संगत सिंह जी नूं पातशाह जी ने कलगी अपनी पोशाक दित्ती, भाई संगत सिंह उस ममटी ते बैठ गए, पातशाह जी ताड़ी मार के चमकौर साहब की गढ़ी चों रात निकलते ने, तीन सिख नाल ने भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, तिने गुरु के प्यारे सिख जो चमकौर साहब की गली चो निकलते ने, ये वक्रे वक्रे ने। पातशाह इधर भाई गुलाबे के बाग में जाके क्योंकि अंदाजा लाओ बिखड़े पेंडे ने, एक बने हजारां सिख कभी आनंदपुर साहब की धरती से पातशाह जी के कोल बैठे ने, फतेह बुलाने वाले अदब सत्कार वाले, अज पातशाह जी कल्ले भाई गुलाबे के बाग में लेटे हुए ने। इधरों तिने सिख भाई गुलाबे के कोल पहुँचे, पुछते ने जाके भाई गुलाबिया पातशाह इधर तुहाडे वाल नहीं आए, तो गुलाबे दे नौकर ने जाके दसिया भी इन्हां दी शकल वाला एक इंसान
अपने बाग विच लेटे हुए ने। पातशाह जी नूं भाई गुलाबे दे घर खड़िया गया, प्रशादा पानी जल पानी छकाया गया। हुण अंदाजा तुसीं आपे ला के वेखियो कि जिथे इन्हां महीनिया की भुख तो बाद अपने साहबजादियों दी लाशां दे लागों दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह लंघ गए हुण, ते भाई गुलाबे दे घर जाके कई महीनों के बाद उन्हां नूं प्रसाद छकण लई मिलिया होवे, फिर पता नहीं अजे भी छोटे साहबजादे कितने ने, बाकी परिवार का कोई पता नहीं कि बाकी इदा का इतिहास इदा दियां घटनावां समाज में, पर अज सिख कित्थे चला गया। कभी समा हुंदा सी, आ जिहड़े दिन हुंदे सी, इन्हां दिनां च कोई खुशी का समागम नहीं सी अपने घरां विच करदा। आ अजोके समाज लोग कर लग पए, भुल गए लोग। 25 दसंबर ठीक है, क्रिश्चना का दिन है, वह लोग याद करते आ, मुबारक उन्हां नूं, क्योंकि हर एक का अपना विश्वास हुंदा है। वो एक दूजे नूं मैसेज भेजते हैं, आम साडे समाज में बाहरलिया देशों भी तुहाडा फ्रेंड सर्कल इदां दा हुंदा है, मैं नहीं आता तुसी उन्हां दे मैसेज रिसीव ना करो, पर अपने वालों भी एक मैसेज लिख के भेजा करो कि इस 6-7 पोह दियां रातां तो लैके लगातार 13 पोह 14-15 पोह दियां रातां तक ये जिहड़ा साडा इतिहास है ये सिर झुकाउण वाला इतिहास है, जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लखते जिगर चारे साहबजादे। तो कमाल की गल, इन्हां चौं साहबजादियां चों किसी एक का सत्कार करन का भी मौका गुरु पातशाह जी नूं खुद आप नहीं मिलिया, एक दा अपने हत्थी खफन तक नहीं पातशाह जी ने पाया। कभी गुरु क्या सिखा अपने घरों बरात लैके तुरदा, एक बार अपने जेन विच गुरु पातशाह जी दे परिवार का चेता रख्या कर। एक बार एक बेनती होर करा, किसी परिवार के घर किसी आम बंदे दे घर एक साल च एक दो मौतां हो जाणा, पता साडा समाज परिवार धुया गया, परिवार अद्धा नहीं रह गया, हुण कित्थे रौणकां। उह 6 पोह तो लैके 13 पोह तक घर दे विचों 5 जी गए हुण, 4 साहबजादे ते माता गुजर कौर जी, बाकियां चों वी गए आ। भाई संगत सिंह ने चमकौर साहब की गढ़ी शहादत का जाम पीता, भाई जीवन सिंह जी ने चमकौर साहब की गढ़ी शहादत का जाम पीता। ये गुरु के प्यारे सिख जिन्हां नूं असीं याद करते हाँ, ये इन्हां गढ़ी साडा सिर झुकदा है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पाते परिवार के 5 जी वड्डे साहबजादे चमकौर साहब की गढ़ी च, तो छोटे शायद इन सारिया सिखा बल कितों मिल रहा भला, प्रेरणा स्रोत कौन इन दे नाल गुरु पातशाह। आगू इदा का हों, नहीं भी जो घटना वापरे तो अपने बच्चे सेफ जगह पर भेज देवे कि मेरे परिवार को कुछ ना हो, जो वाकया कमांड की है तो पातशाह जी ने अपना आप सारे उत्तों की कुरबान किया। अरदास भी जदों असी दूजा पहरा पढ़ते हैं, जदों पंजां प्यारियां चौं साहबजादियां दा नाम आउंदा है, क्यों आउंदा है, कभी एक बार सोच के वेखो, साहबजादे तो गुरु नानक साहब जी के भी है, साहबजादे तो गुरु अंगद साहब गुरु अमरदास जी के भी है, इन्हां चौं दा ही क्यों नाम आउंदा है। इन्हां दी कुरबानी समाज में तुहानूं कोई दुनिया ते मिसाल नहीं मिलेगी, कि जिथे मासूम साहबजादे छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी के नाल तुरे जा रहे हैं, पता नहीं अगे का नहीं पता पिछे का नहीं पता, जंगल बियाबान है, उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखता है बड़े प्यारे शब्द कि अपनी माँ नूं दादी माँ नूं पुछदे ने कि हे माँ अपने सिपाही कित्थे गए, फौजां कित्थे गईयां, वड्डे भरा कित्थे गए, पिता जी कित्थे चले गए ने। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, अब्बा भगा के लश्करे शाही किधर गए, तड़फा के हाए सूर ते माही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में, साढ़े भरा भी सानू जंग के शौक में भुल गए, असी कित्थे असी छोटे हाँ मां, अपना ख्याल तक नहीं जौके तुफंग में। ते अगे गल कहिंदे ने जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, जदों साढ़े भरा अजीत सिंह जंग जित के आउणगे ना, अब्बा के साथ जिस गढ़ी जुझार आएंगे, साढ़े पिता दे नाल जदों जुहार सिंह आएगा, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, अहीं गुस्से हो जाना उन्हां दे नाल बोलना नहीं, पर की पता उन्हां नूं कि हुण तुहाडा दुबारा मिलाप अपने भरावां नाल नहीं होना। करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमको गले से लगा के कहेंगे वो बार बार मन जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जिन्हा। ये सारी वार्तालाप जो माता गुजर कौर जी ने सुनी, तो अल्लाह यारखां जोगी लिखता है
माता गुजर कौर जी अखां च हंजू आ गए वे पोतरियो तुहानू की पता है हुण पता नहीं कि आपानू उन्हां तुहाडे वड्डे भरावां साहबजादियां दे नाल दुबारा मिलाप होना कि नहीं होना पर माँ फिर भी हौसला दिंदी है कोई गल नहीं आपां फिर मिल पैना है पता नहीं अगे अगे जाके एक शान विच दीवा जगदा लिखिया उह सी भाई कुम्मा माशकी जिहड़ा मलाह दा काम करदा सी पानी भरन दा काम भी करदा सी शान विच दीवा जगदा वेखिया माता गुजर कौर जी छोटे साहबजादे नूं लै के कुम्मे माशकी दी शान विच कोल पहुँचे कुम्मे माशकी जी नूं वेखिया साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी नूं छन दे अंदर बिठाया एक वारी ते भुब्बां निकल गईआं साडे बदले पातशाह जी दे परिवार दा आ हाल होया ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕੋਈ ਗਰਮ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਕੱਪੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗੰਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਸੋਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਸੋਈਆ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤਗੜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਸੀ ਲਾਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸਹੇੜੀ ਪਿਆ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੇੜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਿਸਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੇ ਤੋਹੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ ਜਿਵੇਂ ਹੜਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੜਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਹੜਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੜਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੱਚੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫੜਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 100 ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ 200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 200 ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
200 रुपए कलंक लवा लिया अपने मत्थे ते। उही माया की खुरजी उसकी मौत का बाद विच कारण बनती है, इसे गंगू ब्राह्मण की मौत का कारण बनती है। साहबजादियां नूं जानी खां मानी खां अरैसट कर लेंदे ने, भुखियां भाणियां नूं गड्डा लिया उहदे नाल बन्ह लिया, तुरे आउंदे ने नाल नाल, रस्ते च लोग गल्लां करदे ने, इन्हां ने की कसूर कीता होएगा, की गुनाह कीता होएगा। आप रस्ते जिहड़ी ठार को कि उत्थों तुरना सी इन्हां ने, जदों इन्हां नूं वजीर खां का सुनेहा पहुँचा भी तुसीं इन्हां नूं सरहंद लै के आओ, हुण नाल तुरन वाले अपना जिथों मिलता है प्रसाद पानी छकते हैं, पर साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी नूं कुछ नहीं छकाया गया, भुखे पाणे ने। गंगू ब्राह्मण ने भी अपने घर रखिया, पता जे एक रात रखिया भी पता रोटी किदां दी लियाई। कवि दुन्ना सिंह हंडूरिया ने लिखिया, सो ऐसी रोटी कर लियायो हमरे काग ना कूकर खायो, साडे घर दे कां ते कुत्ते भी वह रोटी ना खाण, जिहड़ी साहबजादियां ते माता गुजर कौर जी दे अगे गंगू ब्राह्मण ने उस रात परोस के रखी सी। फिर पता की शब्द वरते उत्थे, कवि दुन्ना सिंह हंडूरिया लिखदा, उत्थे फिर माता गुजर कौर जी कहिंदे ने, ये प्रशादा जिहड़ा तू लै आए, अंदाजा लो अंदर नीयत माड़ी सी ना कि ना ही छकने, बहाना होर बन जाए। उत्थे फिर उन्हें कहा जी कोई लाग्यों किसी दुकान तो कुछ मिल जाएगा, कहिंदे उत्थे कुछ पैसे दिते, लाग्यों पतासे लैके आया गंगू ब्राह्मण, तो वह पतासे ते नाल पानी पी के साहबजादियां रात गुजारी। उत्थे जदों अपने बच्चों नाल अपने घर तरह तरह के पकवान खाने ना, एक बार साहबजादियां दी घटनावां अपने बच्चों नाल जरूर सांझियां करिया करो। जिहड़े अज साडे नक ते इन्हीं चीज़ां चढ़दियां सी, माड़ी माड़ी गल ते ढा ढा के सुटदे, इह जज्बा पैदा होएगा भी किन्नियां किन्ने कष्ट चले उन्हां साहबजादियां नूं। अज असीं कई वारी साडे सामने चीज़ां बणियां हुंदियां सब्जियां, असीं फिर भी कहिंदे नहीं आ नहीं मैनूं चाहीदा। कई वारी साडे गुरद्वारियां च लंगरां दे विच लड़ाइयां हो जांदियां ने कि मेरे वेले आह चीज़ क्यों मुक गई। असीं वारस किन्हां दे आ जिन्हां नूं चंगी तरह भोजन भी, वह रात वह रातां आ वह समा ही आ रातां ने जिहड़ियां आपां इस वक्त महसूस करिए कि जिहड़ियां समयां विचों असीं लंघन की कोशिश करनी, कि साहबजादियां ने कुरबानियां कीतियां साडे बदले, भुख जरी ठंड जरी। हुण अंदाजा तुसीं ला के वेखो, बंदा अंदरों भी भुख होवे बाहर ठंडियां हवावां चलदियां होण, अजे अंदर बंदे दे कुछ ना कुछ गया होवे, कोई खुराक खाधी होवे ना, बंदा रज्जिया बंदा माड़ी मोटी ठंड भी जर लैंदा। उधरों भुख लगी होवे उधरों बाहर ठंड होवे, फिर छकिया कुछ नहीं, इत्थे उन्हां नूं रैसट करके ते सरहंद वाल नूं लै के जा रहे ने। बार बार सरहंदे एक दरख्त है, पिपल का दरख्त है, उत्थे लिया के थड़े दे उत्ते बिठा दिता गया है। लोग पुछते ने कौन ने, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लख ते जिगर दोनों साहबजादे अगे जवाब दिंदे ने, साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, असीं उन्हां दे साहबजादे हाँ, ये साडे दादी जी ने। लोग भीड़ इकट्ठी हो गई भी की हो रहा, इन्होंने की गुनाह किया है, एक बार सोच के वेखियो गुनाह की सी उन्हां दा, साहबजादियां दा, माता गुजर कौर जां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा गुनाह की सी। गुनाह इहो सी ना आम लोगों के हक की गल करते। अज समाज में जिहड़ा भी बंदा सच्चाई ते तुरेगा उहदे नाल भी इदां होएगा। इस करके बहुते लोग सच्चाई नूं पिट्ठ दे के कूड़ फिरे प्रधान वे लालो वाला राह चुन लैंदे ने, भी छड्डो यार आपां की लैना इन्हां कम्मां चों। जिहड़ा बंदा किसे कोलों ओए नहीं करवा सकदा भी मैं जे चंगा काम कीता लोग मेरा मजाक उड़ाउणगे, सोचो कल नूं गोली कित्थों खाएगा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का परिवार, उन्हां दे साहबजादे कित्थों देण देवांगे असीं उन्हां दा। साहबजादियां नूं सीधा ही माता गुजर कौर जी नूं उन्हां नूं वख करके ठंडे बुरज में लिजाया गया। ठंडा बुरज बहुत उच्चा सी, जिहड़ा कदी मुगलां ने अपनी सहूलत वास्ते बनाया सी, जदों गर्मी लगे जिवें अज दे समें अपने को एयर कंडीशन है, एसी ला लैने अपने घरां च, पुराना समां इदां दा सी कि जदों ठंड गर्मी लगनी उन्होंने जिथे जून जुलाई के महीने में भी अत की गर्मी के भी बंदे नूं कांबे छिड़दे होण, सोचो पोह दीआं रातां विच उत्थे की हालत हुंदा होएगा। जे सीत हवा वगदी होएगी उत्थे माता गुजर कौर जी नूं जाके बिठा दिता गया। इधर दोनों साहबजादियां नूं वजीर खान की कचहरी विच सूबे सरहंद की कचहरी दरबार लगा उत्थे पेश किया गया। इन्हां साहबजादियां ने गज के उत्थे फतेह बुलाई है। सुचानंद खत्री
लागे खलोता है, उन्हें कहे नवाब ये सर्प बसूरे, ये सप्प दे बच्चे ने, छोटे वड्डे डस्क जरूर है, छोटे होने वड्डे होने डंग जरूर मारनगे। सुचानंद खत्री कहिंदा बड़े प्यार नाल उन्हां नूं पुछिया गया, क्योंकि तरीका इहो सी वी पहला प्यार ना पुछो लालच दिओ, प्यार ना पुछो लालच दिओ, नहीं फिर अखीर ते उन्हां कोल हथियार हैगा ही हैगा सी खत्म करन वाला। लाल दिते गए ना साहबजादे लालचां च आए, सारा दिन ये काम चलता रहा, लाल दिते गए साहबजादे लालच विच डोले नहीं, शामां पै गईआं साहबजादे नूं वापस माता गुजर कौर जी दे कोल भेज दिता गया। सिपाही लैके गए माता गुजर कौर जी, ठंडे बुरज विच बैठे ने, सीढ़ियां सी उच्चा सी ना, इधरों सिपाही साहबजादे नूं लैके जा रहे ने, माता गुजर कौर जी दो सीढ़ियां थले उतर के साहबजादे नूं अग्गों लैंदे ने, ठंडे बुरज विच बैठ के उन्हां नाल गल्लां करदे ने। सारे दिन का जो उत्थे वार्तालाप हुई पुछया गया, साहबजादे ने सारा कुछ दस्या, अज साडे नाल इदां सवाल जब होए, सारे दिन की जो विथिया हुई वह दसी। माता गुजर कौर जी ने साहबजादे दा मत्था चुमया, अपने सीने नाल लाया कि तुसी अज इम्तिहान चो पास होए, तुसी भरे दरबार दे विच डोले नहीं। गल ममूली नहीं सी, गल बहुत वड्डी सी, सरहंद का सूबेदार को ममूली बंदा नहीं सी, मुख्यमंत्री की पावर का बंदा होवे तो दरबार में किदां दे लोग बैठे होणगे, ते सत ते नौ साल के साहबजादे घबराए नहीं, अखां चखां पा के हर सवाल का जवाब दिता। सब तो वड्डी गल लालच विच नहीं आए, साढ़े सत अठ नौ दस साल का बच्चा बाजार जाए ना, अं सौ बार राखी करते हैं, इनू कोई 100-50 रुपया दे के नाल लैके ना चला जाए कि सोच के वेखो मेरी वो भैनों, सत ते नौ साल के साहबजादे की तैयारी किड्डी वड्डी होएगी। सोचो कि माड़े मोटे लालच दिते गए होणगे, पर वो साहबजादे डोले ने। अगला दिन फिर चढ़िया, अज फिर सिपाही लैन आए ने, माता गुजर कौर जी ने साहबजादे नूं नाल तोर दिता गया। लालच वाला काम अज फिर शुरू होया, तुहाडा विआह कीता जाएगा, तुहानू तरह तरह की सहूल दिती जाएगी, तुहाडे ते पिता नूं तां चमकौर साहब की गढ़ी च खत्म कर दिता गया, उत्थे खत्म हो गए ने, हुण तां तुसीं रह गए छोटे, तुसीं अपनी जिंदगी नूं वधिया तरीके नाल बतीत करो, सब कुछ मिलेगा तुहानू। अगे साहबजादे कहिंदे साडा मन नहीं मनदा, साडे पिता जी खत्म हो गए ने, नाले तुहाडे विच इन्नी पावर नहीं हैगी, सानू पता साढ़े पातशाह जी की ने। साहबजादे बड़ी दृढ़ता नाल बड़ी युरत नाल उन्हां दा जवाब दिंदे ने। सारा दिन इदां ही सवाल जवाब हुंदे रहे, लाल दित्ते जांदे रहे, पर नहीं डोले साहबजादे। शामां नूं फिर वापस आए, तीजा दिन आरंभ हुंदा है, अज साहबजादियां नूं लालच नहीं अज डरावे दिते जा रहे हैं, जे तुसीं इस्लाम कबूल ना कीता तुहाडे सिर धड़ नालों अलग किए जाणगे, इन्हां नूं खत्म कर दिता जाएगा। उत्थे शेर मुहम्मद खान मलेरकोटले का रहन वाला जिहड़ा सी नवाब सी, क्योंकि जिहड़े पोलिटिकल लोग हुंदे आ जदों इहो जिहा काम करना होवे उह अपने मोढ़ियां ते नहीं रखदे, वह हमेशा धर्म का नाल आसरा लेंदे सी। काजी नूं कहा गया फतवा पढ़ो, दसो शरा की कहिंदी है, साहबजादे नूं नीहां चिण का फतवा पढ़िया गया। वजीर खान ने शेर मुहम्मद खान नूं कहा अपने भरा का बदला लै ला, उन्हें कहा गुनाह मैं नहीं करांगा, ना जे मेरे भरा नूं मैदाने जंग विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खत्म किया तो मैं लड़ के बदला लवांगा, ये काम नहीं करांगा। उन्हें हा दा नारा मारिया, सगों काजियां मुलाणियां नूं हलूणिया, उन्हें वो चार छिलणा बदलिया अपना ईमान ना विचों, उहदे हा दे नारे ने उहनूं सदा लई मुसलमान भरावां विच जिउंदा कर दिता। वो अपना नां सुनहरी अखरां विच लिखा के लै गया, भावें उहदे कहिण नाल उहनां छड्डिया नहीं, पर सियाणे कहिंदे आ परे पंचायत विच कोई तुहाडे हक च हा दा नारा वी मार देवे ना, उह बंदा उहदियां पीढ़ियां याद करदियां, यार कोई ते बंदा सी जिहड़ा कहा वी इह काम तुसीं गलत कर रहे। उहनूं परे शबा दे विच इह गल बोल के चंगे मुसलमान वीरां विच अपना नाम लिखा लिया। साहबजादे नूं नीहां चिण दी गल आई तो यह गुनाह करे कौन हुण, समाणे दे रहण वाले सी जलाद शासल बेग ते बासल बेग, इन्हां दोनों का कोई पुराना केस चलता सी सरहंद, इन्हां कहा जी साडा यह केस समाप्त कर दिओ, असीं इन्हां साहबजादे नूं नीहां चिण वास्ते तैयार हाँ। आप जी नूं पता होएगा जिस जलाद ने नौवें पातशाह का सीस धड़ नाल अलग किया सी, वह भी समाणे का ही सी, जलालुद्दीन सासल बेग ते बासल बेग ये भी समाणे दे सी, जिहड़ा जलालुद्दीन सी ये भी समाणे दा सी, ये भी समाणे दा जलाल सी। इन्हां दोनों ने कहा जी असीं ये गुनाह करन नूं तैयार हाँ। नीहां चिण की गल आई साहबजादियां नूं, साहबजादियां नूं नीहां चिणिया गया,
दीवार डिग पैंदी है, फिर इन्हां दी सारा कट्टी जांदी है साहबजादियां दी, दोवें ये जलाद उन्हां साहबजादियां दी सारा कटदे ने, शहीद करदे ने, पर इह साहबजादे अखीरले दम तक अपनी गल ते अड़े रहे। दीवार के दबाव ने उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखदे, दीवार के दबाव में हबस दम हुआ। जो दीवार का दबाव पैन लगा ना, सह लैन च दिक्कत आई, दौरान खून रुकने लगा, जो खून का सर्कल रुकन लगा, दौरान खून रुकने लगा, सांस कम हुआ, फरमाए दोनों बाजार सितम हुआ। दोवें जाने कहिंदे ने यार बड़ा सितम कर रहे ने अपने ते, एक उम्र अपनी दुनिया तो जान दी, एक दूजे नाल गल्लां करदे ने। अल्लाह यार खां जोगी दी अपनी काव उडारी है, वो अपनी भावना नाल गल लिखदा, कहिंदा दोवें जाने गल्लां करदे ने। वड्डा साहब जदा छोटे नूं कहिंदा आपां बच सकदे हां जे इहनां दी गल मान लईए ते इस्लाम कबूल कर लईए ते, वो कहिंदा वो किवें, इस्लाम कबूल करांगे आपां नूं छड्ड देणगे। कहिंदा कि इस्लाम कबूल करन तों बाद मौत नहीं आउंदी, छोटा बाबा फतेह सिंह जोरावर सिंह नूं कहिंदा, कहिंदा आउंदी है। कहिंदा जे इस्लाम कबूल करन तों बाद भी मौत ही आउणी है ते फिर सानूं इस्लाम कबूल नहीं, क्योंकि 7 साल और जी के भी मरना जरूर था। सत कहिंदे 100 नूं, जे 100 साल भी उम्र भोग लवांगे, मेरी अज 7 साल है मैं 93 साल होर जी लूँ, तेरी 9 साल है तू 91 साल होर जी लेंगा, पर जे आपां सिर झुका के आ जिंदगी बतीत की, जिहड़ी 91 साल ते 93 साल उम्र बतीत करांगे, ये सिर उच्चा चुक के नहीं असीं बतीत कर सकते। उमरां छोटियां ने पर जज्बे ते अंदर दी सियाणप वड्डी उम्र नूं भी मात पा रही है। 7 साल और जी के भी मरना जरूर था, सर कौम से बचाना जे गैरत से दूर था, पर जे अज कौम तो सिर बचा लिया, ये गैरत वाली गल नहीं होएगी। उन्हां महान गुरु के योध्या ने अखीरले दम तक उत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, ठूडी तक ईटे चिंदी मूँह तक आ गई, बीनी को ढापते वो आँखों पे छा गई, ठोडी नूं ढकदियां अखां तक इटां आ गईयां, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। जोगी जी इसके बाद होई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। साहबजादे अखीर 12 पोह दी रात नूं शामां पैंदियां ने, शहादत दा जाम पी जांदे ने। 13 पोह नूं अगले दिन साहबजादियां दा संस्कार, भाई टोडरमल उन्हूं कई गलत रंगत देण दी कोशिश करदे ने, भाई टोडरमल ने साहबजादियां दा, बड़ा प्यारा सिख सी भाई टोडरमल, भाई मोती राम दा देण नहीं दे सकते जिन्हें साहबजादे नूं दुध पियाया, सारा परिवार कोल्हू विचों दी पीड़ दित्ता गया भाई मोती राम जी का। टोडरमल जी ने क्योंकि वह किसी कारण शहर चो बाहर गए हुए सी, पर जो वापस आए सारी घटना का पता लगा, उन्हें मंग की कि मैं साहबजादे का संस्कार अपने हथी करना चाहना, मैं जगह दिती जाए। हुण कोई ये जगह देण नूं तैयार नहीं सी, सरहंद तो 1/2 मील दूर बार बार एक व्यक्ति वालों सेवा की गई, पर जमीन मुल खरीद के भाई टोडरमल दी वालों साहबजादे का संस्कार किया गया। 13 पोह नूं अगे 15 पोह नूं अंगीठे की संभाल की गई। हुण सोच के वेखियो, सारा कुछ अपना वेच के भी वो उन्हां महान गुरु के प्यारे सिखां ने सुनहरी अखरां विच अपना नाम लिखा लिया। इहो सरहंद सी जिहदे मलबे नूं हर सिख शब्द बोलदा सी, इह गुरु मारी सरहंद है। इह सरहंद लई जिन्हें अपने अखां नाल साहबजादे दे उत्ते कहर हुंदा वेख्या, किसी ने भी हादा नारा तक ना मारिया। बंदा सिंह बहादुर ने इस वजीर खां नूं चप्पड़चिड़ी दे मैदान दे विच जदों इहनूं गिरफ़्तार किया गया, बड़ी भयंकर मौत दित्ती वजीर खां नूं, बहुत भयंकर मौत दित्ती। इहदे पैरां दे नाल रस्से बन के बलदां दे पिछे खिचीटिया गया इहनूं पूरे सरहंद दे विच, तां कि दुबारा तो कोई सूबा इदां दा जुल्म ना कर सके। बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खां नूं इदां ही सुचानंद खत्री उन्हूं भी उहदे परिवार नूं बण दीआं सजावां दित्तियां गईआं। इस सरहंद दी धरती ते समां पा के बाद विच जिथे फतेहगढ़ साहब गुरद्वारा है, जिहड़े अज असीं धार्मिक स्थान दर्शन मेले करदे हां, गुरु के प्यारे सिखां ने इन्हां दीआं सेवावां कराईआं, ये धार्मिक स्थान होंद विच आए जिथे अज असीं सिजदा करदे हां। अज तां असीं इन्हां दिनां नूं मेले दी तरह मनाउंदे हां,
आने खुशियां मनाने घरों चले जाने एक बार एहसास करके वेख्या करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक जो सारा सुनेहा पहुँचया कि इन्हां साहिबजादों का संस्कार किदां किया गया किन्ने किया तो पातशाह जी ने किन्नियां बख्शां कीतियां होणगियां उन्हां परिवारों उत्ते। इदां ही वड्डे साहिबजादों का संस्कार बीबी शरण कौर जी ने अपने कार कमलों नाल किया। पर जदों उन्हां जालमां ने साहिबजादों का संस्कार हुंदा बीबी शरण कौर दे वल्लों वेख्या बलदी हुई चिखा विच बीबी शरण कौर नूं वी नाल सुट दिता गया। भाई त्रिलोका ते भाई रामा रामपोला फूल दे रहण वाले दो सरदार अपने किसी केस के संबंध में सरहंद आए से जो उन्हें सारा घटनाक्रम वेख्या चमकौर साहब जी का आण के जो उन्हें वेख्या भी अध सड़िया लाशा ने कंप्लीट संस्कार भाई त्रिलोके ते भाई रामे ने साहबजादों का किया। कमले रमले जे बन के आए ता कि मुगल फौजां ते हिंदू पहाड़ी राजे उन्हें शक ना हो। संस्कार करने तो बाद इन्होंने सारी घटना जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक पहुँचाई। पातशाह जी ने दोनों सिखां नूं प्यारियां नूं अपने गल नाल लाया मत्था चुमिया। हुण इह सारियां घटनावां चों सानूं की सिखण लई मिलदा है? इदां दा कहर इदां दा जुल्म होण तों बाद भी पातशाह जी दे जज्बे नूं सलाम है। सिखो अज सानूं सिखण दी लोड़ है। साडे पुत्तर दे विआह नूं साल अद्धा साल डेढ़ साल होया होवे ना असीं इक सकिंट लाउने अपने गुरु दा दर छड्डण लगे हां वी उत्थे मत्था टेक लईए शायद गल बण जाए। साडी दुकान ना चले साडी फसल ना होवे सानू नौकरी ना मिले असी एक मिनट लाने अपने गुरु का दर छड़न लगे हाँ इतने पातशाह जी के प्यारे सिखां ने अपन जाना कुरबान कर दतियां पर अपने गुरु का दर नहीं छड़िया। अज सानू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान जिहड़ा साडी जिंदगी च अज मनफी हो गया ये सानू अपनी जिंदगी विच मंगना चाहिए है। याद रखना गुरु के शब्द की करामात है कि एडा वड्डा लासानी साडे कोल इतिहास है। हर साल असी ये दिन मनाउने आ पर क्यों नहीं साडे बच्चे बच्चियां दे जीवन च उन्हां दा असर पै रिहा क्योंकि असी मन करके गुरु दी विचार नाल अज तक जुड़ ना पाए। आओ अपने घरां विच सतगुर दी बाणी लै के आओ गुरु दे उपदेश नाल जुड़िए गुरु दे सिधांत नाल अपने बच्चे बच्चियां नूं जोड़िए खंडे दी पौ लईए। जिन्हां ने अजे तक खंडे दी पौ लै के गुरु की बाणी नाल गुरु की विचार नाल अपने आप नूं नहीं जोड़िया जोड़न का यतन करो। निके निके प्यारे बच्चियां ने सानू किदां कवितावां सरवण कराइया ने आओ अपने घरां विच सोहना माहौल बनाइए अपने बच्चे बच्चियां नूं गुरमत के सिद्धांतों तो जाणू कराउण दा यतन करिए तां कि असीं भी इस मार्ग के पांधी बन सकीए क्योंकि बड़ा गौरवमई साडे कोल इतिहास है। अल्लाह जरखां जोगी वर्गे एवें नहीं सी कहिंदे एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। कहते दुनिया के लोगों तीर्थ स्थानों की समाज में कमी नहीं हैगी पर जे को सब तो वड्डा तीर्थ स्थान है वह फतेहगढ़ साहब तो चमकौर साहब की धरती ते आ जिथे गुरु साहब जी ने अपना सब कुछ साढ़े तो कुरबान कर दिता। आओ सब कुछ कुरबान करने तो बाद भी जे अजे साढ़े अंदर जज्बा ना पैदा होया साडे अंदर वो विचार ना पैदा होई साढ़े दिन मनाया का की फायदा होया। दूजी बेनती अपने वालों मैं ये करांगा जेडे असी इन्हां दिनों च अपने घर कोई खुशी का समागम करते हैं थोड़ा जा उन्हूं अगे कर दिया करिए भावें साढ़े लिए सोग वाले दिन नहीं हैगे चढ़दी कला वाले दिन असी इन्हूं सोगमई समागम नहीं कहना कभी भी क्योंकि ना वो मरै ना होवै सोग देंदा रहे ना चुकै भोग क्योंकि कई बार साढ़े सोग समागम इन कहिंदे ने ये चढ़दी कला के प्रतीक ने। जे पातशाह जी अपने साहबजादे कुरबान करके भी चढ़दी कला ना जकारे छड़ रहे ने ते पातशाह सानू कदी नहीं कहणगे तुसी इहनू सोगमई समागम कहो जां ढेंदी कला च लैके जाओ। नहीं असी चढ़दी कला च हाँ उन्हां साहबजादियां नू असी याद करना उन्हां दे दिन मनाउणे आ पर अपने अंदर इक जज्बा पालना कि साडे बच्चे बच्चियां जिथे भी जाण कारोबार करन तरक्कियां करन पर उत्थे उन्हां दे अंदर साहबजादियां दा अहसास होवे किवें उन्हां ने छोटियां छोटियां उमरां दे विच साडे लई किहड़े किहड़े वड्डे पूरने पाए ने इह कदी नहीं भुलाउणा। अपने बच्चे बच्चियां दे आनंद कारजां ते मैं ते इह वी कहिंदा हुंदा कोई हर्ज नहीं जदों साडे पुत धी दा जदों आनंद कारज होवे जे पाँच सत्त दस मिनट साहबजादियां दी उत्थे इह सारी जिहड़ी हिस्टरी है इतिहास संखेप शब्दां सुनाया जावे साडे अंदर जज्बा पैदा होवे कि जे अज साडे बच्चे बच्चियां दे आनंद कारज हो रहे ने इह मौका पातशाह जी तुसी सानू बख्शिश कीता है तुसी साडे तो अपना सब कुछ कुरबान कर दिता। मैं पहला बेनती जिहड़ी कीती है किसे घर एक दो मौतां हो जाण ते परिवार दे पैर नहीं लगदे जिथे इक्के हफ्ते दे विच ही पंज जी पंज परिवार दे जी गए होण
तो फिर भी पातशाह चढ़दी कला च होण है दुनिया ते इदां दी कोई मिसाल नहीं लभेगी सानू इदां दी मिसाल। वड़े वड़े रहबर भी अपने परिवारां दे जी दूर हुंदियां वेख के थिड़क गए, कंब गए, अपनी जीवन लीला खत्म करन वाले बन्ने तुर पए, पर पातशाह ना घबराए। प्यार सी उहनां दा, जज्बा सी उहनां दे अंदर, पर सब कुछ कुरबान कर दिता। किसी ने मोह नूं सड़न दीआं विचारां वेखियां होण ते प्यार वेखणा होवे ते अपनी सुरत नूं चमकौर साहब की गढ़ी च लै जाओ। जे भाई दया सिंह चमकौर साहब की गढ़ी चों नाल जा सकदे आ, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह नाल जा सकदे आ, ते बाबा जुझार सिंह ते बाबा अजीत सिंह इन्हां चों वी इक नाल जा सकदा सी। पर पातशाह जी अंदर मोह नहीं ना, प्यार है। इत्थे जमीनां दे टुकड़ियां बदले सके भरा सके भरावां दे बच्चियां नाल धोखे करदे नज़र आउंदे ने, ते असीं पता कहने मैं गुरु का बड़ा वड्डा सिख। सोच के वेखो, उत्थे मोह नहीं, उत्थे प्यार है। मोह नूं साड़ो, प्यार नूं पैदा करो। जे दुनिया सोहनी बनाउणी चाहुंदे आ ना, जाल मोह कस मस कर, मोह नूं साड़ दिओ, इहदी स्याही बना लो। ते की करो, मत कागज़, अपनी मत नूं पेपर बना लो। मत कागज़ कर सार, भाओ कलम, प्यार नूं कलम बना लो। कर चित लिखारी, मन नूं लिखारी बना लो। ते गुर पुछ लेख विचार, बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। पर अज मोह साड़ना औखा, मोह ने तो दुनिया नूं तबाही दे कंढे ते पहुँचा दिता है। मोह तां सके भरा नूं, सके भरा नाल, भैण नूं भरा नाल, दराणी नूं जठाणी नाल, एक दूजे दे वैरी बना रहा। ये दिन मनाउण दे साडे तां ही फायदे ने। पातशाह जी दीआं इन्हां घटनावां तों, इस जज्बे तों कुछ सिखीए कि असीं समाज विच प्यार पैदा करिए, मोह नूं साड़िए। मोह दुनिया दे विच लोकां विच जहर पैदा करदा है, ते प्यार साडे जीवन च अमृत पैदा करदा है। क्योंकि प्यार च बंदा कदी नहीं कहिंदा ये मेरा ये तेरा, कहिंदा ना भरा इहदे नाल ठगी मार लगा, इहदे वी ते छोटे छोटे घर बच्चे ने। आओ ये जज्बा अपने अंदर पैदा करिए। सब तो पहला मैं इत्थों दे प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद करना चाहुंदा वी शुक्र है साडे इलाके च साडे पिंडां च इदां दे जे वीर बैठे ने कि असीं आपू अपने पिंड, ये बहुत वधिया काम है। अज दा जिहड़ा असीं आपू अपने पिंडां च अपने अपने गुरुद्वारां च साहिबजादियां दे इदां दिन मनाईए, उहनां नूं याद करिए। नहीं तो साडी कौम नूं इहो जिहा उलझाया गया, साडे कोल ते बरसियां मनाउण च वेल ही है नहीं। कदी नोट करके वेखियो, साडे समाज विच असीं देहधारी बाबिआं दीआं बरसियां ते हज़ारां लखां दा इकट्ठ आ। हुण साहिबजादिआं दिन चलदे आ ना, मैनूं किसे डेरे चों लाइव हुंदा विखायो, बरसियां वास्ते वड़े वड़े चैनल जिहड़े बहुत ज़्यादा मोटी कमाई नाल तैयार होए ने, वह बरसियां नूं दो दो तीन तीन दिन लाइव करनगे। पर साहिबजादिआं दे दिन कदी वड्डे पद्धर ते कदी अपने डेरे च मनाउण दी कोशिश कीती, इधर ध्यान ही है नहीं साडा, इधर असीं अपना कदी ख्याल लियांदा ही नहीं कि आ दिन किहड़े साडे लई कीमती सी, कि असीं अपने बच्चियां चों जज्बा पैदा करना सी। उस दा कोई भुल्ला भटकिया कुराए पिया नौजवान, कोई साडी भैण इन्हां महान गुरु के प्यारे सिखां तों कुछ प्रेरणा लै के अपने गलत रस्ते नूं छड़ के ते गुरु दे सही मार्ग उत्ते आ सके, साडे सारे दिन मनाए सफल हो सकणगे। साडे प्रशादे पकाए, साडे लंगर वरताए, साडियां दरियां झाड़ियां, साडे इत्थे आण के जो भी कीता कर्म साडा सफल हो जाएगा। जे एक भी प्राणी इन्हां समागमां चों प्रण करे कि अज तो बाद बुरे काम छड्डे, मैं खंडे की पौ लै के गुरु का पुत्र बन के गुरु की धी बन के अपना जीवन बतीत करांगी। आओ अपनिया मन दियां जड़ियां माड़ियां विचारां ने इन्हां नूं छड्डिए, मन की मत त्यागो ते गुरु की मत अपनी जिंदगी विच लै के आईए। कबीर मोहे मरने का चाओ है, कहिंदे मैनूं मरन दा चा है। ये फिजिकल मौत की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही आ मेरा बुराई वालों मरन नूं जी करदा वा, मैं बुरियां कम्मां वालों मरना चाहुंदा। कबीर मोए मरने का चाओ है, पर मरो तो हर कै द्वार पर, मैं चाहुंदा वा ये मरिया पता कदों जाना, जदों मैं हरी दे द्वार नाल जुड़ांगा, गुरु दे शब्द नाल जुड़ांगा। गुरु का शब्द ही मैनू बुरियां कम, क्योंकि शब्द मरो फिर जीवो सद ही, शब्द मैनू बुराई वालों मार दिंदा वा ते चंगियाई वाले बन्ने मेरा जन्म हुंदा है। इस करके कबीर मोहे मरने का, सारे बोलो कबीर मोहे मरने का चाओ है। हे कबीर मैनू मरन का चाव है, किहड़ा मरन का चाव आ, बुरियां कम्मां वल्लों मेरा मरन का चाव आ। मरो तां हर कै द्वार, तां ही मर सकदा वां जे मैं हरी दे द्वार नाल गुरु दे शब्द नाल जुड़ा। मत हर पूछे कौन है, मता कितें रब मैनू पूछ ही लवे,
पर हमारे बार बारदात दरवाजा वा आ मेरे दरवाजे ते कौन पिया वा। कहते मेरे मन की चा तमन्ना वा, मर सारी दुनिया रही आ, कोई किसी का घर वेख के मरदा, कोई किसी का तन वेख के मरदा, कोई किसी की जायदाद वेख के मरदा, जो रोज़ मरदे ही ते आ, रोज़ ही दुनिया मर रही है। एक दिन विच सवेर तो लैके शाम तक बंदा किन्नी बार मरदा है, किसी नूं अगे वधदिया वेख के मरदा है, किसी के कपड़े वेख के मरदा है, किसी की जायदाद वेख के मरदा है। कहते जे मरना ही आ ना फिर कम से कम मरना तो सीख ला, जे मरना ही आ तो गुरु के शब्द के नाल बुरियां कामों वालों मरना शुरू कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कबीर जिस मरने ते जग डरे, जिस मरण तो जगत डरदा वा, मेरे मन आनंद मेरे मन च उहदा आनंद वा, क्योंकि मरने ही ते पाई है पूरन परमानंद, मरन नाल ही वह परम अवस्था प्राप्त होनी है। आओ उन्हां महान योधियां नूं सिजदा करिए, भाई जीवन सिंह जिन्हां ने महान शहादत दा जाम पीता, भाई संगत सिंह, भाई बचित्र सिंह, माता गुजर कौर जी, चार साहबजादे, अनेकां गुरु के प्यारे सिंह जिन्हां ने शहादत दे जाम पीते, बीबी शरण कौर जी, भाई टोडरमल जी, भाई मोती राम जी, इन्हां सारयां दे अगे साडा सिर झुकाउण दा फर्ज है, जिन्हां ने एडियां एडियां वड्डियां कुरबानियां कीतियां। सारयां नूं याद करदिआं अज दा इह गुरमत समागम तुसीं प्रबंधक वीरां ने, नगर निवासियां ने, इतों के सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहबान, सारिया संगतां रल मिल के तुसीं लिखे है। आओ गुरु बख्शिश करे असी पातशाह दे पाए हुए पूरनियां ते चल के अपने मन की मत छड़ के अपने घरां दे जदों कार्ज करिए, हर समय असी पातशाह दा शुकराना जरूर करिए। दाता असी तेरा करजा कदी नहीं उतार सकते, जिवें किसी का करजा देना होवे ना, बंदा रात नूं सौण लगे अपने बच्चों नाल गल करदा, थोड़ी जी किस्त वधा दीए, खर्चे घटा लीए ताकि करजा छेती लै जाओ। जे दुनियावी तौर पर असी करजा देना हो तो असी सोचते हैं बड़ी छेती करजा लै जाए, ये बारे भी कदी कदी सोच लिया करो, पातशाह तेरा मैं बड़ा वड्डा कर्जदार हाँ। कई बार एहसास आता बंदे नूं, कई बार बंदे नूं बाहर जाके चेता आता वाकया मैं तेरा कर्जदार हाँ, तो करजा किदां लैना, होर कुछ ना करो, कम से कम अपने बच्चों की शकल बाबा अजीत सिंह वर्गी बना लो, बाबा जुझार सिंह वर्गी बना लो, पहला शकल बनाइए अकल, तो फिर हौली हौली गुरु के शब्द द्वारा बनाने की कोशिश करनी है, पहला बाहर तो शुरुआत करके वेखिए। कई सारी जिंदगी इदा लंघते जाते हैं, वो मन सच्चा होना चाहिए बंदे का, मन ठीक होना चाहिए वा, मन का सिखी मन च होनी चाहिए आ, मन का किदा पता लगेगा जी, जां मेरे अंदर मेरा मन साफ होना चाहिए, ये मन साफ का पता किदा लगू भला, ये कड़ा आपां चैक कर लांगे, ये तो बंदे दे कम्मां तों पता लगना, जो बीजोगे उही बाहर उगेगा। आओ मैं अपने वीरां नूं बेनती करदा जिहड़े भुल्ले भटके कुराए पए गुरु दे रस्ते तो बहुत दूर जा चुके आ, आओ वापस परतीए, कम से कम प्राण त्यागण तो पहलां एक बार गुरु दे सन्मुख ये तो कह सके, बाबा दाता जी जे तुसीं आख्या सी इन पुत्रन के सीस परिवार दी सुत चार, चार मूहे तो क्या हुआ जीवत कई, तो मैं माण ना कह सकां महाराज जे तुसीं हजार कहा सी ते अज वेख लो, मैं अपने वालों कोशिश की है, तुसी मेरे विचों अपना जुझार सिंह ते अपना जोरावर सिंह वेख सको। आओ अपने बच्चे बच्चियां दे आनंद कार्जां ते नशियां तो रहत होकर आनंद कार्ज करने शुरू करिए, ताकि तुहाडे बच्चे की बरात नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज माण ना कह सकन, मेरे अजीत सिंह की बरात जा रही है, मेरे जुझार सिंह की बरात जा रही है। आओ मेरी भैनों मेरे वीरों अपने घर सहज पाठ करिए, खंडे की पौ लै के गुरु के पुत धियां बन के अपना जीवन बतीत करिए, नशियां दे इस कोड़ नूं अपने जीवन चो पासे ला के सुट दईए। सारयां दा धन्नवाद, एक बार रल के सारी संगत बाणी दियां इन्हां तुकां दा पाठ करिए, फिर समाप्ति है जी। भूले मार्ग जिने बताया, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, वाह वाह, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, वाह वाह। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, पातशाह जी की पावन गोद विच असीं बहुत प्यार नाल अज दा दीवान सजाया, जिस विच रल के पातशाह जी दे लखते जिगर चार साहबजादे, अनेकां गुरु के प्यारे सिखां दे जीवन उत्ते पंछी चात
ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।